गुरु जो होते हैं वो कभी भी मंत्र दीक्षा नहीं देते, क्योंकि उनके सानिध्य से ब्रह्म स्वयंता प्रकट होते हैं, मंत्र दीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर हरियाणा से। यही जानेंगे कि जो पूर्ण गुरु होते हैं उनको मंत्र देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब ही यही है जिसके सानिध्य से आपके अंदर जो विकार हैं वो दूर हो जाएं, आपके अंदर जो गलत ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो इस ब्रह्मांड में नील हो जाएं और ब्रह्म उजागर हो जाए आपके अंदर। तो उनको मंत्र दीक्षा देने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ। मंत्र दीक्षा अपूर्ण गुरु देता है, अधूरा गुरु देता है कि आप ये मंत्र ले जाइए, आश्रम बना करके लाख, पचास, 2000, 10000 लोगों को मंत्र दीक्षा दे देते हैं। उनको परम गति प्राप्त हो या ना हो, उनको कोई ठेका नहीं होता इस बात का। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप दुर्गति में जा रहे हैं या सतगति में जा रहे हैं, या भगवान आपके अंदर प्रकट होंगे या नहीं होंगे। बस उन्हें होते, वे तो भीड़ बढ़ा लेते हैं। भीड़ बढ़ाने से मतलब है, लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि मेरा शिष्य को परम गति प्राप्त हो, भगवत्ता की प्राप्ति हो। तो वो इस जिम्मेदारी को स्वयंता पूरा करते हैं, वो इस जिम्मेदारी को आपके ऊपर नहीं छोड़ते, क्योंकि आपका मन तो चंचल है। क्या पता आप साधना करेंगे या नहीं करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो कोई मंत्र नहीं देते हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप चाहे कितना ही मंत्र जाप कर लें, आपको भगवत्ता प्राप्त नहीं होने वाली है। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बिना इसके अंदर भगवत्ता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि सामने वाले का तो जो मन होता है वो चंचल होता है। वो मन क्या पता उसको मंत्र जाप करने देगा या नहीं करने देगा, क्या पता साधना करने देगा या नहीं करने देगा। तो सामने वाले का मन होता है चंचल। अब गुरु उस जीव को उसके मन के भरोसे नहीं छोड़ता है, ये पूर्ण गुरु की पहचान होती है। आपके मन के भरोसे आपको वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपके मन से तो भगवत्ता प्रकट होनी होती, तो पिछले जन्म कई लिए हैं तो भगवत्ता पैदा हो ही जाती है आपके अंदर। उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपका मन साधना नहीं करने देगा, आपका मन भगवत्ता को प्राप्त नहीं करने देगा या मंत्र जाप नहीं करने देगा, और आप उस भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वो सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखता है, और जब अपने हाथ में वो जिम्मेदारी रखता है, क्योंकि वो पूर्ण गुरु है, वो भगवान है, वो किसी भी टाइम पे आपके अंदर भगवत्ता को प्रकट कर सकता है, सोते जागते, खेलते कूदते, जेल में, या फिर काम करते, या खेत में, या ड्यूटी पे, किसी भी समय भगवत्ता प्रकट आपके अंदर वो कर सकते हैं या हो जाती है उनके सानिध्य में। तो पूर्ण गुरु वही हैं जो कोई दीक्षा ना दे, कोई मंत्र दीक्षा ना दे, और वो देते भी नहीं हैं। उनको मंत्र दीक्षा देने की ज़रूरत ही क्या है, जब भगवत्ता उनके प्रताप से, उनकी महानता से भगवान स्वयं आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, तो मंत्र दीक्षा देने की ज़रूरत क्या है। मंत्र दीक्षा देने का मतलब होता है बहकाना, आपको आपके भरोसे छोड़ना कि मंत्र दे दिया, जाप करो ना करो, मोक्ष की प्राप्ति हो या ना हो, भगवत्ता की प्राप्ति हो या ना हो, आपको आपके भरोसे छोड़ दे, वो तो है अपूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु आपको आपके भरोसे या मंत्र के भरोसे नहीं छोड़ता, और ना ही मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो भगवत्ता को प्रकट कर दे। किसी देवता को तो प्रकट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, भगवान ये मंत्र मंत्रों से प्रभावित नहीं होते हैं, और ना ही उनका उसके ऊपर, उस भगवत्ता के ऊपर उसका असर होता है। तो
तो ये दीक्षा मंत्र दीक्षा व्यर्थ है। ये जो आपको मंत्र दीक्षा दे देते हैं, आप ले भी लेते हैं और सोचते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये मुश्किल है। गुण गुरु आपका है तो भगवत्ता स्वयंता ही प्रकट होगी उनकी महानता से। इसलिए कहते हैं पूर्ण गुरु किसी किसी को मिलते हैं, बाकी लाल कपड़े पहनने वाले और दीक्षा देने वाले, मंत्र देने वाले, साधना बताने वाले, तपस्या बताने वाले, ध्यान लगाने वाले, ऐसे तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु भगवत्ता की कृपा से मिलते हैं और किसी किसी को मिलते हैं। इसलिए उन्हीं को दंडवत प्रणाम कीजिए, उनकी महानता से वो भगवत्ता स्वयंता पैदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, बाकी व्यर्थ के क्रियाकलापों में, कर्म कांड में ना रहें। तो आज यही बताने की कोशिश की गई है कि जो मंत्र दीक्षा दे के आपको भ्रमित किया जा रहा है, दिमाग को भ्रम में डाला जा रहा है, कल्पनाओं में डाला जा रहा है, या आपका समय बेकार किया जा रहा है जिंदगी का, ऐसे समय बेकार ना करें। दीक्षा कोई गुरु दे रहा है तो सोचना अपूर्ण गुरु है। तो भगवत्ता स्वयंता प्रकट होने वाली चीज़ है या गुरु के सानिध्य से प्रकट होने वाली चीज़ है, ना कि किसी मंत्र से वो प्रकट होने वाली वस्तु है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए और किसी भी मंत्र दीक्षा के चक्रों में ना पड़े। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया।